शहीद उधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र की पावनधरा पर किया जा रहा है। इस राज्य स्तरीय समागम का आयोजन कुरुक्षेत्र की नई अनाज मंडी में किया जाएगा। इस शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह को हरियाणा सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत मनाया जाएगा। इस आयोजन में हरियाणा काम्बोज सभा का भी अहम योगदान रहेगा। अहम पहलू ये है कि इस समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भोरिया, एडीसी अखिल पिलानी ने कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यहां पर विधायक सुभाष सुधा व पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को यादगार एवं धूमधाम से मनाने के लिए एसपी व एडीसी से अनाज मंडी में विस्तार से बातचीत की और समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की ड्यूटियां लगाने तथा आवश्यक प्रबंध करने के लिए चर्चा की गई। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत कुरुक्षेत्र की पावनधरा पर शहीद उधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 31 जुलाई को कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में थानेसर हलका से हजारों की संख्या में लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और समाज के लोगों के लिए सरकार और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने कहा कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और केंद्र में राज्य सरकार से मंत्रीगण, सांसद व विधायकगण भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हरियाणा कम्बोज सभा के सभी कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हरियाणा कम्बोज सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुलवंत सिंह ने कहा कि समाज का प्रत्येक नागरिक उत्साह और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा। इस मौके पर एडीसी अखिल पिलानी, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बतान, कम्बोज सभा के जिलाध्यक्ष बख्शीश सिंह, सभा के महासचिव सुमेध चंद, कोषाध्यक्ष लाल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी व अधिकारीगण मौजूद थे। जी सर, 31 जुलाई का कार्यक्रम है सर, नई अनाज मंडी में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा जी का क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हरियाणा कम्बोज सभा हर वर्ष शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस जो 31 जुलाई को है उसको बड़े धूमधाम से मनाती है। अब की बार भी 31 जुलाई का ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र के अंदर अनाज मंडी के अंदर होने जा रहा है और हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें उपस्थित रहेंगे और मैं तो धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि मुख्यमंत्री जी कई बार जो है इस कार्यक्रम में 31 जुलाई के कार्यक्रम में एक बार सरसा के अंदर आए थे, एक बार कुरुक्षेत्र की इसी अनाज मंडी के अंदर आए थे और एक बार उन्होंने रतिया में कार्यक्रम दिया था पिछले वर्ष, लेकिन किसी कारणवश जो है ना कार्यक्रम उनका नहीं बन पाया, एकदम उन्होंने करके और जब भी कम्बोज सभा उनसे इस प्रकार का निमंत्रण लेकर के जाती है तो उसको स्वीकार करके जिस प्रकार से अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। और ये पहली सरकार है जिसने इस प्रकार से जो देश के लिए कुर्बान होने वाले महापुरुष हैं, दूसरे अन्य लोग हैं, शहीद हैं, उनके इस प्रकार के उत्सव मनाने का जो निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने और पूरा प्रदेश के अंदर जाने इस बात को लेकर के लोगों में एक उत्सुकता है कि ये पहली सरकार है जिसने अपने इन महापुरुषों का, अपने बलिदानियों का जो है उन्होंने सत्कार किया है, उनके उत्सव मनाने का निर्णय लेकर के और समाज के लोगों को जो है ना आगे साथ लेकर के ऐसे जो है ना उत्सव सरकारी तौर पर जो है ना हरियाणा सरकार मनाती है, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। कांग्रेस की सरकार में कभी भी इस प्रकार के राज्य स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, किया पूरे देश के लोगों के लिए उन्होंने काम किया तो ऐसे उस शिरोमणि शहीद का बलिदान दिवस हम सबको इकट्ठे होकर के आज जिस प्रकार से हम बड़े लोगों को, हम अपने महापुरुषों को या अपने इस प्रकार के जिन्होंने संघर्ष करके देश के लिए कुछ न कुछ किया है उनको बरादरियों में बांधकर हम उनका कद छोटा कर देते हैं। इसलिए जब कोई शहीद होता है, कोई महापुरुष होता है तो उसको जातियों में न बांध करके उसको हम सबको इकट्ठे होकर के ये मानना चाहिए वो सबके हैं और सबके लिए उन्होंने काम किया तो इस प्रकार का काम उन्हें करना चाहिए। तो मैंने तो जितने भी जगह में गया सभी लोगों से, चाहे वो किसी भी जाति के, सबसे निवेदन किया कि शिरोमणि शहीद उधम सिंह वो ऐसे महान पुरुष थे कि जिन्होंने 7 समुद्र पार जाकर के इस प्रकार का देश के स्वाभिमान का बदला लेने का काम किया तो ये
तो जो है ना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो ये सारा कार्यक्रम हम सबको इकट्ठे होकर के मनाना चाहिए, उन शहीद को हमने सबको जो है ना इकट्ठे होकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए और बड़ी संख्या में सभी समाज के सर्व समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित। 31 जुलाई को कार्यक्रम है यहाँ अनाज मंडी में, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिनके मन के अंदर एक पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, किस प्रकार शहीदों के उनका शहीद दिवस मनाते हैं, इसी प्रकार से हमारे श्री उधम सिंह जी का शहीद दिवस यहाँ पर 31 जुलाई को सुभाष मंडी में अनाज मंडी में मनाया जा रहा है। और इसमें मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर आज जायजा किया गया और बहुत बड़ा नई कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के जो मैं कहूँगा यहाँ पर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और आदमी शहीद उधम सिंह जी को यहाँ पर प्रणाम करने आ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने भाई पूर्व मंत्री करमदेव कमो जी का जो इस सारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।